आपको पता है कि ब्लड जो होता है वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड डिफरेंट मटेरियल्स का हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन और CO2 गैसेस होते हैं, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सभी का ब्लड जो होता है वो सर्कुलेशन करता है। अब इनके अलावा ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है उसे हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो गया ब्लड में, हम फर्स्ट फंक्शन स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड। क्या है टॉपिक हमारा, फंक्शन ऑफ द ब्लड, यानी कि हमारा टॉपिक है कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लड सर्कुलेट या फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट दी न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट दी न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स अदरवाइज वो क्या सर्कुलेट करेगा, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स, ये सभी किसके द्वारा सर्कुलेट किए जाएंगे, ब्लड के द्वारा सर्कुलेट किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं कि ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करता है। तो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, तो इस 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कौन करेगा, हमारा ब्लड। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम राइट करेंगे मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्या कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अब इसके अलावा जो ब्लड होता है वो क्या फंक्शन करता है, हमारे ब्लड बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है उसको भी ये मेंटेन करता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या स्टडी करेंगे, इट मेंटेन पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ बॉडी क्या करेगा, पीएच वैल्यू ऑफ बॉडी को ये मेंटेन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं कि ब्लड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि ये जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनता है उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो हम स्टडी करते हैं इसको, इट हेल्प इन अ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो आपको ये डिफरेंट फंक्शन ऑफ ब्लड आपको उसमें बताने हैं कि ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी में ये इन फंक्शंस को रोल करता है। आगे हम स्टडी करते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। नॉर्मली हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। जिसको किसने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था पॉल एंड स्टिंगर ने। तो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है विच साइंटिस्ट डिस्कवर दी ब्लड ग्रुप, तो आप क्या बताएंगे, पॉल एंड स्टिंगर डिस्कवर दी ब्लड ग्रुप। तो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट पॉइंट है अपना ब्लड ग्रुप। तो नेक्स्ट है अपने ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप को सबसे पहले उस साइंटिस्ट को स्टडी करते हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, तो कॉल एंड स्टीनर डिस्कवर दी ब्लड ग्रुप। अब आता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, कॉल एंड स्टीनर ने जनरली ब्लड ग्रुप के टाइप्स कितने बताए, 4, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप आर क्लासिफाइड इन अ 4 टाइप्स, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, इट इज द
फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। अब इन ब्लड ग्रुप्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। हमारे ब्लड के अंदर टू टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो उसे हम स्टडी करते हैं टू टाइप ऑफ प्रोटीन, टू टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर ब्लड। कौन कौन से होंगे? एक होगा एंटीजन और एक होगा एंटीबॉडी। एक पाया जाता है एंटीजन और एक प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो एंटीजन जो होता है वो किससे बनेगा? ये बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन से और एक बनेगा ये ग्लाइकोलिपिड से। इनसे मिलकर के हमारा एंटीजन बना हुआ होता है। एंटीबॉडी किससे बनेगा? एंटीबॉडी बॉडी बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इनसे क्या होता है? हमारा एंटीबॉडी बना हुआ होता है। अब हम स्टडी करते हैं एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है। एंटीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब आपको पता है आरबीसी की जो सरफेस और जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? राउंडेड। तो आरबीसी की ये जो सरफेस है, इस सरफेस के बाहर हमें सी शेप की रिंग्स दिखाई देती है, हाफ सी शेप रिंग। इन हाफ सी शेप रिंग्स को हम एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एंटीजन। और एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब आता है कि ये एंटीजन हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं? एंटीजन के टाइप्स होते हैं टू। कौन कौन से? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, यानी कि टू टाइप्स होते हैं एंटीजन के। उसके बाद में आता है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, या आप ये कह सकते हो प्लाज्मा। प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी की सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब आपने पढ़ा है कि जो डब्ल्यूबीसी सेल, में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी सेल जो होती है वो साइज में कैसे होती है? इरेगुलर। तो यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होगी डब्ल्यूबीसी में, साइज कैसा होगा? इरेगुलर। और इसमें अगर सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी, उसे आप क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। अगर डब्ल्यूबीसी सेल पे सी शेप रिंग प्रेजेंट है उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप एंटीबॉडी कहेंगे। एंटीबॉडी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी से। और किसमें प्रतीक वहां प्रेजेंट होती है? डब्ल्यूबीसी की सेल पे ये प्रेजेंट होती है। अब आता है कि हमारी जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं उसको हम एक टेबल के द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स में कौन कौन से एंटीजन, कौन कौन से एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड ग्रुप, जैसे डिफरेंट ब्लड ग्रुप है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसको ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसे स्टडी करते हैं बाय द टेबल। तो टेबल में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं ब्लड ग्रुप। फर्स्ट कॉलम में हम क्या स्टडी करेंगे? ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट कॉलम में हम स्टडी करते हैं एंटीजन, विच एंटीजन इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। उससे नेक्स्ट टेबल में हम स्टडी करेंगे एंटीबॉडी। क्या स्टडी करेंगे? एंटीबॉडी। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम स्टडी करेंगे किसको डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में किसको डोनेट कर सकता है, उससे नेक्स्ट कॉलम में हम स्टडी करते हैं किससे एक्सेप्ट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। और उसके बाद में आता है प्लस माइनस साइन, यानी कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो सबसे पहले हम अपने ब्लड ग्रुप स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ए बी को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इट इज द यूनिवर्सल, सॉरी ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ जो है उसे आप क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। क्या कहेंगे इसको? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। अब हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप में कौन
कैसा होगा? ए एंटीजन। लेकिन जो एंटीबॉडी होता है वो हमेशा एंटीजन के जस्ट रिवर्स होता है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी। अब असल में किसको डोनेट करेगा ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको डोनेट करेगा? सिमिलर ब्लड ग्रुप सिमिलर वाले को डोनेट करेगा, सिमिलर वाले से एक्सेप्ट करेगा। तो ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए वाले को क्या कर सकता है? डोनेट भी कर सकता है और ए वाले से एक्सेप्ट भी कर सकता है, ए वाले से एक्सेप्ट भी कर सकता है। अब आता है कि इसके अलावा ये और किसको डोनेट कर सकता है? मैंने आपको बताया अभी कि एबी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एबी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। यानी कि जो ए वाला है ए ब्लड ग्रुप ए वो किसको डोनेट कर सकता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर को डोनेट करेगा। यानी एबी ब्लड ग्रुप है वो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ब्लड ग्रुप ओ से भी लेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ए है वो किसको डोनेट करेगा? एबी ब्लड ग्रुप को डोनेट करेगा। उसके बाद में क्या आता है? एक्सेप्टर, किसका ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है? तो ए ब्लड ग्रुप किसका एक्सेप्ट करेगा? ए वाले का। और किसका एक्सेप्ट कर सकता है? जो यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ, उससे क्या कर सकता है? ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, ये किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है? यूनिवर्सल डोनर से ये ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी जो है उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, तो एंटीजन क्या हो जाएगा? बी। अब आता है एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी क्या होती है? जस्ट रिवर्स। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए। अब आता है किसको डोनेट कर सकता है? तो मैंने आपको बताया कि सिमिलर वाला जो है वो सिमिलर वालों को डोनेट और सिमिलर वालों को एक्सेप्ट करेगा। इसका मीन्स क्या है? ये किसको डोनेट कर सकता है? बी वाला, बी वाले को डोनेट भी कर सकता है और बी वाले से एक्सेप्ट भी कर सकता है। उसके बाद में आता है कि बी के अलावा किसको डोनेट कर सकता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर को डोनेट करेगा, जिसको हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप एबी, क्योंकि एबी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी से ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद में आता है कि बी वाला और किससे एक्सेप्ट कर सकता है? बी वाला बी वाले से एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप ओ है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं वो भी ब्लड ग्रुप बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके बाद में आ जाता है अपना नेक्स्ट ब्लड ग्रुप एबी। जो ब्लड ग्रुप एबी होता है उसके अंदर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होती है? ब्लड ग्रुप एबी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। उसके बाद में आता है एंटीबॉडी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एबी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन क्या होती है? अब्सेंट होती है। आगे आ जाता है डोनेट किसको कर सकता है? एबी वाला केवल एबी वाले को डोनेट कर सकता है। यानी कि जो एबी ब्लड ग्रुप है केवल एबी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। अब एक्सेप्ट किसे कर सकता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो सबसे ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, ए से बी से एबी से और ओ से। तो हम क्या बैठ करेंगे, एक्सेप्टर में ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, एबी से भी लेगा और ब्लड ग्रुप ओ से भी लेगा। तो ये क्या हो गया अपना ब्लड ग्रुप एबी। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? तो आप बताएंगे ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन क्या होते हैं? अब्सेंट। यानी कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन क्या है? अब्सेंट। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रेजेंट। एंटीबॉडी कौन सी होती है अपनी बॉडी में? ए एंड बी। उसके बाद में आता है डोनेट किसको करेगा? ब्लड ग्रुप ओ है वो केवल ब्लड ग्रुप ओ को ही, मतलब ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है तो सबको डोनेट करेगा, ए को बी को एबी को एंड ओ को। तो हम क्या राइट करेंगे कि ये ब्लड ग्रुप ओ जो है वो किसको डोनेट करेगा? ये ए को भी डोनेट करेगा, एबी को भी डोनेट करेगा, बी को भी डोनेट करेगा और साथ में जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको भी ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। नेक्स्ट आता है किससे एक्सेप्ट करेगा? ओ ब्लड ग्रुप वाला केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले से क्या करेगा? ब्लड एक्सेप्ट करेगा। तो इट इज द टेबल ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप फॉर जो कि हमारे जो अपना सिलेबस है उसमें हमें दी हुई है। इसको हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस टेबल में क्या स्टडी किया? डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड, जिसमें था ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए जो है उसको हमने कहा कि जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन भी क्या हो जाएगा? ए। लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो हमेशा एंटीजन के रिवर्स होता है। अगर मान लीजिए एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी। अगर मान लो यहाँ पे एंटीजन बी आ जाता है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा ए, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी बी। अब आता है कि डोनेट किसको करेगा? देखो मैंने आपको
डोनेट करेगा और सिमिलर वाले से एक्सेप्ट करेगा। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए वाले को डोनेट करेगा। अब इसके साथ में जो ए ब्लड ग्रुप वाला है वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है, यानी वो किसको ये डोनेट कर सकता है। तो आपको पता है ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, तो वो क्या करेगा, इस ए ब्लड ग्रुप से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद में आ जाता है एक्सेप्टर, किससे ब्लड को एक्सेप्ट करेगा, ब्लड ग्रुप ए। तो मैंने आपको बताया कि सिमिलर वाले से तो एक्सेप्ट करेगा ही, तो ए वाला किससे एक्सेप्ट करेगा, ए वाले से। इसी के साथ में जो ए ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर की क्या करेगा, इसको ब्लड देगा और यूनिवर्सल डोनर से ये ब्लड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में आ जाता है अपना ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा होगा, बी। एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। अब इसी के साथ में इसके अंदर ये किसको डोनेट करेगा, ब्लड ग्रुप। तो बी वाला है वो किसको डोनेट करेगा, बी वाले को डोनेट करेगा। इसी के साथ में किसको डोनेट करेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर को ये ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा। अब आ जाता है एक्सेप्ट किससे करेगा, तो बी ब्लड ग्रुप जो है वो बी ब्लड ग्रुप से एक्सेप्ट करेगा। इसी के साथ में जो यूनिवर्सल डोनर है उससे भी ये ब्लड को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में आ जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी जो है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आस्किंग किया जाता है विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो आप क्या बताएंगे, ए बी। अब ए बी ब्लड ग्रुप में मैंने आपको बताया दोनों एंटीजन प्रेजेंट होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है, इसमें अब्सेंट होती है। अब ब्लड ग्रुप ये किसको डोनेट कर सकता है, ए बी वाला, केवल ए बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब किसको एक्सेप्ट करेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है इसलिए सबसे ब्लड एक्सेप्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ब्लड ग्रुप ओ से भी ब्लड लेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट आ जाता है अपने ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप को ओ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ये सबको ब्लड डोनेट करेगा, लेकिन लेगा एक्सेप्ट किसका करेगा, ओनली ब्लड ग्रुप ओ का। तो हम क्या इसे रेडी करते हैं, ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। एंटीजन आर अब्सेंट, एंटीजन इसमें अब्सेंट होते हैं। एंटीबॉडी जो होती है उसमें कौन सी प्रेजेंट होती है, ए बी। यानी ब्लड ग्रुप ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, ए एंड बी। अब आ जाता है किसको डोनेट करेगा, तो ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको डोनेट करेगा, ए को, बी को, ए बी को एंड ओ को। लेकिन एक्सेप्ट किससे करेगा, ओनली ब्लड ग्रुप ओ से ही क्या करेगा, ब्लड को एक्सेप्ट करेगा। तो ये थे अपने ब्लड ग्रुप की डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे, ब्लड वेसल्स, जो कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका सेकेंड पार्ट है। यहाँ तक अपना जो कंप्लीट ब्लड है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में हमारे एक पॉइंट रह जाता है इसमें आरएच फैक्टर, उसी को भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अपना जो भी आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो भी मटेरियल दिया जा रहा है उसको आप रेगुलर अटेम्प्ट करते रहें, अपनी स्टडी में आप रेगुलर लगे रहें और जो अपना जो भी मटेरियल है उसको आप रेगुलर कलेक्ट करते रहें। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।